Welcome to a new video. In this we will discuss material anatomy, which means pramaan sharir, जिसमें दोष धातु और मलों के प्रमाण शरीर के अंग प्रत्यंगों के भाव्यमान का वर्णन किया जाता है। इसमें दो तरह के प्रमाण होते हैं, अंगुली प्रमाण और अंजली प्रमाण। सर्वप्रथम हम अंगुली प्रमाण पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है, स्वयं की अंगुली का प्रयोग करें। और इसमें अंगुली प्रमाण अगर देखें तो आचार्य चरक जी के अनुसार शरीर की लंबाई 84 अंगुल पर्व होती है, और सुश्रुत जी के अनुसार 120 अंगुल पर्व होती है। वाग्भट जी यानी कि अष्टांग हृदय के अनुसार 3.5 हाथ होती है। अब हाथ को अगर नापना है तो कैसे नापेंगे? कूरपर से मध्यमा यानी कि एल्बो जॉइंट से मिडिल फिंगर तक जितनी लेंथ है उतना एक हाथ होता है। तो इसमें 24 अंगुल होते हैं और इन्होंने कहा है 3.5 अंगुल। तो अगर 3.5 × 24 करें तो 84 अंगुल, यानी कि चरक जी और अष्टांग हृदय के अनुसार यह सेम है। उसके बाद अगर अपन बात करें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो इसमें पैर से सिर तक 84 अंगुल पर होता है चरक जी के अनुसार। तो इसमें आप चार्ट देख सकते हैं कि पैर 4 अंगुल, इसमें लेंथ दी गई है यानी कि ऊंचाई, जंगा जैसे पहले अपन इसे करते हैं, पैर जंगा जानू उरु उदर उरह ग्रीवा और आनन, जिसमें अपन ऐसे याद करेंगे 4 18 4 18 12 12 4 12। तो पैर हो गया 4 अंगुल, जंगा 18 अंगुल, जानू 4 अंगुल, उरु यानी कि थाई 18 अंगुल, उदर यानी कि एब्डोमेन 12 अंगुल, उरह इट मीन्स थोरेक्स दैट इज ऑल्सो 12 अंगुल, नेक यानी कि ग्रीवा 4 अंगुल, और आनन यानी कि माउथ 12 अंगुल। तो ये टोटल 84 अंगुल हो जाता है। इसके बाद अपन देखें सुश्रुत जी के अनुसार, तो इसमें है पैर जंगा जानू उरु, अब चरक जी के अनुसार उधर था। तो अगर अपन कंपैरिजन करें तो इसमें नाभि से हृदय यानी कि उधर ऑब्लिक में दिया हुआ है, अम्बिलिकस टू हार्ट ये भी 12 अंगुल होता है। अब चरक जी के अनुसार था उरह, तो यहाँ इन्होंने दिया है सुश्रुत जी ने हृदय से ग्रीवा मूल यानी कि रूट ऑफ नेक से हार्ट तक ये 12 अंगुल। प्रबाहु मतलब आर्म 16 अंगुल, प्रपाणी यानी कि फोर आर्म ये भी 16 अंगुल, हस्ततल यानी कि पाम जो हथेली है वह 6 अंगुल है, प्रदर्शनी यानी कि इंडेक्स फिंगर यह 4 अंगुल की होती है। तो टोटल 120 अंगुल होता है। अब इसमें 14 18 4 18 14 18 4 18 12 12 16 16 और 6 4। इसमें लंबाई गिनी गई है पैर की और चरक जी ने ऊंचाई गिनी थी। तो टो से अपन एंकल जॉइंट की तरफ डोर्सल सरफेस या प्लेंटर सरफेस से अपन गिनेंगे और उसमें अपन ने हाइट गिनी थी। तो इस तरह से 120 अंगुल हो गया है। और उसके बाद अगर अपन बात करें सेकेंड टॉपिक है अपना अंजलि प्रमाण। अब अंजलि प्रमाण विशेषता हमें यह याद रखना है कि अंजलि प्रमाण केवल और केवल चरक जी ने ही दिया था, सुश्रुत जी ने नहीं दिया था अंजलि प्रमाण। तो इसमें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है, 10 से अपन शुरू करते हैं। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और यह इस प्रकार है, जल यानी कि उदक, रस आहार रस, रक्त शोणित, पुरीष कफ पित्त,
पित्त मूत्र जैसे जल है, जल दस अंगुल, उसके बाद रस बना, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन याद करने के लिए रख सकते हैं। जल वन हो गया, अब आहार रस से रक्त बनता है तो वो आठ हो गया, फिर रक्त बना, फिर अपन ऐसे एक कंपेरिजन कर लें कि पूरी बन गया तो वो उससे कम हो गया सात अंगुल। फिर आते हैं बात ये अपने कफ यानी कि श्लेष्मा छः, पित्त पाँच, फिर मूत्र चार, वसा तीन, मेद दो। इसमें मांस और अस्थि का नहीं है, यह भी ध्यान रखना है, मांस और अस्थि का अंजलि प्रमाण नहीं दिया गया है। मेद हो गया दो, मज्जा एक, मस्तिष्क अर्धांजलि होता है। अगर अपन इसको याद करें तो सेम से याद कर सकते हैं अर्धांजलि वाले, एस यानी कि शुक्र, ए यानी कि ओज अपर ओज, और एम यानी कि मस्तिष्क। सेम जो होता है वो अर्धांजलि होता है। उसके बाद पर ओज देखें तो अष्ट बिंदु होता है या हार्ट में प्रेजेंट होता है। आर्तव यानी कि जो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज है वह चार अंजलि होता है। अब एक अंजलि में अगर अपन आधुनिक मतानुसार देखें यानी कि करंटली जो अपन मेजरमेंट्स यूनिट है जो, तो एक अंजलि में 192 ml, यूं समझ लीजिए आपको हाथ से पानी पीना है और दोनों हाथ को जोड़ दीजिए और ऊपर से कोई पानी दे रहा है, तो मतलब जितना पानी आपकी, यह एक अंजलि हो गया। जैसे प्रसाद लेना है तो दोनों हाथ को जोड़ना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है, दोनों हाथ को जोड़ दिया तो यह हो गया आपका एक अंजलि जिसमें 192 ml आता है। अब इससे कंपैरिजन करें तो जल अपनी बॉडी में कितना होता है, अगर इनटू 10 कर देंगे अपन तो 1920 ml, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 liter। लेकिन होता नहीं है क्योंकि मॉडर्न के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार सब अलग अलग है। मॉडर्न में रस भी गिन लिया है, रक्त भी गिन लिया है, मतलब वाटर फ्लूइड इन अवर बॉडी, तो वो तो 95% अप्रोक्सीमेटली, उससे भी ज़्यादा होता है, 70% बोलते हैं, पर मैक्सिमम हर चीज़ में तो वाटर ही है। तो इस वजह से अपन देखें तो अपने आयुर्वेद में मूत्र, मज्जा, मस्तिष्क, शुक्र, जल, रस, रक्त, इन सब का अलग अलग दिया गया है। धन्यवाद।